प्रोफेसर पैराडॉक्स बेंटन के एक ऐसे कैरेक्टर जिनके लिए स्पेस टाइम और अल्टरनेट रियलिटी में सफर करना उनके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन उतना ही मुश्किल उनकी बातों को समझ पाना है कि आखिरकार पैराडॉक्स कहना क्या चाहते हैं और पैराडॉक्स फ्यूचर को लेकर क्या इशारा करते हैं और क्यों पैराडॉक्स का रियल नेम बेंटन में रिवील नहीं किया गया और कैसे प्रोफेसर पैराडॉक्स का एक हाथ कट गया था। इन सभी बातों का पता लगाएंगे आज हम इसी वीडियो में और ढूंढेंगे पैराडॉक्स की रियल ओरिजिन और इनसे जुड़े सभी अनसुलझे पहलुओं का राज। तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को एंड तक देखना। जैसे एक पुराना दोस्त कहा करता था, ये है हीरो टाइम। प्रोफेसर पैराडॉक्स। तो यार प्रोफेसर पैराडॉक्स को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिरकार पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है रियल वर्ल्ड में। तो भाई देखो, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, जो एक ऐसी स्थिति होती है जहां एक बात दूसरे बात को काटती है पर होती है दोनों बात सही, मतलब जो सही है वो गलत भी है और क्योंकि वो गलत है इसलिए वो सही है। और अगर मैं इसे थोड़ा और इजी में बताऊं तो भाई देखो, तो एक ऐसी स्थिति जिसको देखने के कई नज़रिए हैं और वो हर नज़रिया अपने पहलू के हर नज़रिए में सही है, तो इसे कहते हैं पैराडॉक्स। और कुछ ऐसे ही हैं हमारे प्रोफेसर पैराडॉक्स। तो अब बात करते हैं प्रोफेसर पैराडॉक्स की, जिनका पहला इंट्रोडक्शन हमें तब देखने को मिलता है जब ब्लूकिच और ड्रीवा अर्थ पर क्रैश होते हैं और वो टाइम लगभग 1940s का होता है जब ब्लूकिच और ड्रीवा को कैद कर लिया जाता है और उन्हें एरिया 51 में ले जाया जाता है उन पर तहकीकात करने के लिए। और वहाँ पर प्रोफेसर पैराडॉक्स को बुलाया जाता है ब्लूकिच और ड्रीवा की जांच पड़ताल करने के लिए। लेकिन यहाँ प्रोफेसर पैराडॉक्स को एज अ प्रोफेसर के नाम से डिनोट किया जाता है क्योंकि तब प्रोफेसर पैराडॉक्स एक नॉर्मल साइंटिस्ट थे, जिसके बाद 1950s में हमें फिर पैराडॉक्स देखने को मिलते हैं जहाँ वे अपने पैराडॉक्स थ्योरी पर काम कर रहे थे और ये थ्योरी इंसानों को वक्त के पार ले जाने वाली थ्योरी थी, या कहें तो ये रिसर्च फ्यूचर का दरवाजा खोल सकती थी और इससे इनके देश की मिलिट्री को भी बहुत फायदा होने वाला था। पर यहाँ रिसर्च वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए थी और ह्यूगो के कारण टाइम टनल में कुछ खराबी आ जाती है और यहाँ पैराडॉक्स की कुछ कैलकुलेशन में भी गड़बड़ी होती है, जिसके बाद पैराडॉक्स टाइम टनल में चले जाते हैं और वहां से वो इवेंट होराइजन में पहुंच जाते हैं जहां वो हजारों सालों तक फंसे रहते हैं, जहां उनकी ना ही उम्र बढ़ती है और ना ही खाने पीने की जरूरत पड़ती है। पर पैराडॉक्स यहां धीरे धीरे पागल होने लगते हैं और अपना रियल नेम तक भूल जाते हैं, जिसके बाद पैराडॉक्स यहां पढ़ना शुरू करते हैं और वो वहां टाइम स्ट्रीम और क्वांटम फिजिक्स इन सबको समझने में कई हजारों साल बिता देते हैं, जिसके बाद उनके दिमाग में सिर्फ क्वांटम फिजिक्स और उनकी थ्योरीज चलती रहती थी और वो इनमें इतने ज्यादा एक्सपर्ट बन जाते हैं जिसके बाद पैराडॉक्स के लिए टाइम स्ट्रीम और टाइम ट्रेवल और यूनिवर्स और स्पेस के मल्टीवर्स को समझना बाएं हाथ का खेल सा बन जाता है, जिसके बाद वो टाइम में कभी भी कहीं भी ट्रेवल कर पाते थे। और इन सबको और आसान प्रोफेसर पैराडॉक्स का क्रोनो नेविगेटर बना देता था, जिसकी मदद से वो किसी भी अल्टरनेट रियलिटी और टाइम में बिना किसी परेशानी के टेलीपोर्ट हो जाते थे। और अगर आपके मन में अभी भी ये बात चल रही है कि पैराडॉक्स अपना रियल नेम भूल गए थे तो उनका रियल नेम था क्या, तो मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर पैराडॉक्स का रियल नेम परसिविल डॉक्स था, जिसे प्रोफेसर पैराडॉक्स के डॉक्यूमेंट से मिटा दिया गया था क्योंकि प्रोफेसर पैराडॉक्स की रिसर्च फेल होने के बाद वो उस टाइम टनल में फंस जाते हैं और ये बात सरकार से छिपाने के लिए पैराडॉक्स का नाम उनके डॉक्यूमेंट से मिटा दिया जाता है ताकि गवर्नमेंट को इसकी कानोकान खबर भी ना पहुंचे। जिसके बाद गुएन पहली बार पैराडॉक्स को एज अ प्रोफेसर पैराडॉक्स बुलाती है, जिसके बाद से ही पैराडॉक्स इस नाम को प्रायोरिटी देने लग जाते हैं, जिन्हें आज हम बेंटन में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर के तौर पर जानते हैं, जो है प्रोफेसर पैराडॉक्स। जिसके बाद प्रोफेसर पैराडॉक्स हमें पहली बार बेंटन एलियन फोर्स में दिखते हैं, जहाँ वो ट्रांस डायमेंशनल मॉन्स्टर को रोकने के लिए वक्त में पीछे आते हैं जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। और यहाँ पर ट्रांस डायमेंशनल मॉन्स्टर प्रोफेसर पैराडॉक्स का दोस्त ह्यूगो निकलता है, जो ट्रांस डायमेंशनल मॉन्स्टर बन जाता है एक्सपेरिमेंट में हुई गड़बड़ी के कारण, जिसे पैराडॉक्स बैन ग्वेन और केविन की मदद से सही कर देते हैं। और इसके बाद जब भी यूनिवर्स किसी भी बड़ी मुश्किल में फंसता
तो उस समय पैराडॉक्स जरूर आते और आकर सलाह जरूर देते कि आगे क्या करना है। वो ये बैन को बताते हैं, फिर चाहे वो हाइब्रिड के हमले की बात हो या फिर अजमत को हाइब्रिड के हमले से बचाना हो या फिर ग्वेन को टाइम ट्रेवल करने से रोकना हो ताकि टाइम में गड़बड़ी ना हो सके। इसके अलावा पैराडॉक्स ही वो शख्स होते हैं जो मैप ऑफ इन्फिनिटी को 4 टुकड़ों में बांटकर उसे यूनिवर्स में अलग अलग जगह छिपा देते हैं ताकि कोई भी मैप ऑफ इन्फिनिटी का कोई गलत यूज ना कर सके और इसकी मदद से फोर्ज ऑफ क्रिएशन तक ना पहुंच पाए। पर फिर भी एग्रीगोर फोर्ज ऑफ क्रिएशन तक चला जाता है मैप ऑफ इन्फिनिटी को हासिल करके। तो बैन एग्रीगोर को रोकने के लिए इलेनेक्स बनता है जहाँ बैन सेरेना और बेलिकस की बहस में फंस जाता है और फिर उस बहस के बीच में पैराडॉक्स आते हैं और बैन को वहाँ से वापस ले आते हैं ताकि टाइम की बर्बादी ना हो। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सेलेस्टियल सेपियन से पैराडॉक्स को 500 लाइट ईयर दूर रहने की सजा भी मिल चुकी है। इसके बाद पैराडॉक्स हमें बैन 10,000 के साथ दिखते हैं जहाँ पर पैराडॉक्स को योन ने धोखा भी दिया था। और यहाँ पैराडॉक्स मल्टीवर्स के बारे में कई सारे बात रिवील करते हैं जहाँ वो ग्वेंटेन और पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताते हैं और बैन को डैगन से सावधान भी करते हैं। और जब इसके बाद प्रोफेसर पैराडॉक्स को ओमनीवर्स में इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो वहाँ पर प्रोफेसर पैराडॉक्स का एक हाथ कटा होता है और ये एक हाथ तब कटता है जब प्रोफेसर पैराडॉक्स टाइम बॉल लड़ रहे थे और उसी बीच प्रोफेसर पैराडॉक्स का एक हाथ कट जाता है जिसके बाद वो एक रोबोटिक हैंड का यूज करते हैं और उसी में अपना क्रोनो नेविगेटर लगवा लेते हैं जिससे छीनने यौन आता है पर छीन नहीं पाता है। इसके अलावा ओमनीवर्स में प्रोफेसर पैराडॉक्स का लुक बिल्कुल ही बदल दिया जाता है जहां उनके प्रोफेसर जैसे कपड़ों को बदलकर ओल्ड स्टाइलिश कपड़ों में बदल दिया जाता है। और इसके बाद बेंटन ओमनीवर्स में कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां प्रोफेसर पैराडॉक्स कई बार टाइम में गड़बड़ी होने से बचाते हैं, फिर चाहे विलगैक्स से अल्टरनेट बैन को बचाना हो उन्हें डिस्ट्रॉय होने से या टाइम बीस्ट को सब कुछ डिस्ट्रॉय करने से रोकना हो या फिर मोल्टेंट के डिस्ट्रॉय हो चुके पार्ट्स को मल्टीवर्स में फैलाना हो ताकि मोल्टेंट दोबारा टाइम में गड़बड़ी ना कर सके। इसके अलावा अगर मैं आपको प्रोफेसर पैराडॉक्स के बारे में कुछ और बताऊं तो प्रोफेसर पैराडॉक्स अकेले वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से बैन को ओमनीट्रिक्स मिली और अजमत हाइब्रिड के हाथों डिस्ट्रॉय होने से बचा। यहाँ तक कि पैराडॉक्स की वजह से ही बेंटन का पूरा मल्टीवर्स पहले जैसा हो पाया और अगर पैराडॉक्स नहीं होते तो बैन कब का डिस्ट्रॉय हो चुका होता। इसके अलावा प्रोफेसर पैराडॉक्स ने कई बार यूनिवर्स को बचाया है और कोई है जो अपने काम का कभी क्रेडिट नहीं लेता तो वो प्रोफेसर पैराडॉक्स है। हमेशा अपना काम खत्म करने के बाद टाइम में कहीं गुम हो जाते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर पैराडॉक्स कभी झूठ नहीं बोलते, जिस बात को तो यौन भी मानता है। और अगर हम बेंटन यूनिवर्स में अर्थ पर सबसे उम्रदार व्यक्ति ढूंढे तो हमें प्रोफेसर पैराडॉक्स मिलेंगे जिनकी उम्र लगभग 1,00,000 साल है। पर इसके बाद अगर हम पैराडॉक्स की पावर्स की बात करें तो वो भी काफी यूनिक और खास है जिसमें पैराडॉक्स टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, टाइम को स्टॉप कर सकते हैं, टाइम का रिडक्शन कर सकते हैं, टाइम पोर्टल खोल सकते हैं और अल्टरनेट रियलिटी से लेकर पैराडॉक्स यूनिवर्स के किसी भी मल्टीवर्स में कहीं भी आ जा सकते हैं और कहीं भी किसी भी प्लेनेट पर पैराडॉक्स उसे रहने लायक बना सकते हैं टेम्पररी, फिर चाहे वो फोर्ज ऑफ क्रिएशन हो या फिर अर्थ का मून। साथ ही पैराडॉक्स फाइट भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि पैराडॉक्स पर ट्योपिक के फेस का भी कोई असर नहीं होता जिस फेस से लगभग यूनिवर्स के 90% से ज्यादा एलियन स्पीसीज डरती हैं। पर इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि पैराडॉक्स को टाइम वॉकर के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो टाइम में ही हमेशा सफर करते रहते हैं। और जब बेंटन ने पूरे यूनिवर्स को एलियन एक्स की मदद से रिक्रिएट कर दिया था तो सिर्फ ये बात बैन को पता होती है और इसके अलावा ये बात किसी को नहीं पता चलती। पर सेलेस्टियल सेपियंस के बाद पैराडॉक्स वो इकलौते व्यक्ति होते हैं जिन्हें ये बात पता होती है कि यूनिवर्स को दोबारा अभी अभी रिक्रिएट किया गया है। और अगर अर्थ की बात हो और उसमें सबसे स्मार्ट और सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो उसमें सबसे पहला नाम प्रोफेसर पैराडॉक्स का आएगा जो कि अर्थ के ही नहीं बल्कि यूनिवर्स के भी सबसे स्मार्टेस्ट पर्सनैलिटी में से एक हैं और इसीलिए प्रोफेसर पैराडॉक्स सबके फेवरेट भी हैं। तो कुछ ऐसे हैं हमारे प्रोफेसर पैराडॉक्स बेंटन में। तो यहाँ मेरी तरफ से खत्म होती है प्रोफेसर पैराडॉक्स की पूरी ओरिजिन। और इसके बाद अगर आपके मन में प्रोफेसर पैराडॉक्स को लेकर कोई भी डाउट बन रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं उन डाउट्स को जरूर क्लियर करूंगा। और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना ताकि मैं ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूं। तो अब मैं आपसे फिर मिलूंगा बेंटन के ऐसे ही किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, क्योंकि अब तो है हीरो टाइम।
सही फरमाया।